अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में इस वक्त बड़ी हलचल मच चुकी है, ठीक ठाक हलचल मची हुई है। इस वक्त सरफराज अहमद, शर्जील खान, शुएब मलिक की तबाहकुन एंट्री होने वाली है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में, क्योंकि आगे मिशन भी पड़ा है। और ये चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और टीम डायरेक्टर हेड कोच भी है मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने क्लियर कर दिया है जो पाकिस्तान को इज्जत देगा हम उसको इज्जत देंगे, जो टीम की कदर करेगा हम उसकी कदर करेंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम का पत्ता अब मुकम्मल तौर पर कट गया है। जो टीम में खेलने से दूर भागते हैं ना, फिर हमें भी उनकी कोई परवाह नहीं है, ये अब क्लियर हो चुका है। तो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड जो पहली असाइनमेंट होगी वहाब रियाज की, वो होगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। शुएब मलिक वनडे से रिटायर हो चुका है, टेस्ट वैसे नहीं खेलता, एक फॉर्मेट खेलता है, तो उसको अभी भी लगन है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे T20 के अंदर। उस बंदे ने नेशनल T20 कप को तरजीह दी है, T10 लीग को छोड़ दिया है बंदे ने। और इसी तरह मोहम्मद हारिस को देखें, सरफराज अहमद T20 के अंदर बंदे की जगह दूर दूर तक फिलहाल नहीं बन रही है, लेकिन मोहम्मद हफीज ने कहा है कि यार मैं इस बंदे को दोनों हाथों से अगर सल्यूट करूं ना कम है। कैद आजम ट्रॉफी होती है, बंदा खेलता है। नेशनल ओडीआई कप होता है, बंदा खेलता है। नेशनल T20 कप होता है, बंदा खेलता है। यार इतनी इज्जत दे रहा अपने मुल्क को, कभी सरफराज ने कोई बहाना नहीं किया, वो हमेशा कुछ सिखाने के लिए आगे बढ़ता है। तो हफीज ने कहा कि हम भी ऐसे प्लेयर्स की कदर करेंगे जिनको पाकिस्तान की कदर है, जो पाकिस्तान टीम के बारे में कुछ अच्छा सोचने की सलाहियत रखते हैं, तो हम बिल्कुल उनकी तरफ बढ़ेंगे। शुएब मलिक, हफीज आ गया, हफीज के साथ उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वहाब रियाज के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और दोनों के पास इख्तियार आते हैं कि मलिक को आप शामिल करें। फिटनेस तो बंदे की तगड़ी है, बड़े बड़ों से अच्छी फिटनेस है शुएब मलिक की। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप मेंशन करेंगे तो मलिक उनसे आगे नजर आएंगे आपको। सरफराज वनडे और टेस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। रहा सवाल शर्जील खान का, इंप्रेस कर रहा है बंदा, एक बार फिर शर्जील खान के लिए समझे दरवाजा खुलने वाला है। शर्जील भी रेगुलर बेस पे पाकिस्तान वनडे कप खेला, T20 नेशनल कप खेल रहे हैं, यानी कि वो बंदा भी यार उसको भी लगा हुआ है कि मैंने खेलना है पाकिस्तान के लिए। और भी प्लेयर्स हैं, साहिब अयूब हो गए, बाबर, ये फखर, इनको तो आप T20 के अंदर देखेंगे, लेकिन कंपटीशन काफी तगड़ा है। अपडेट्स अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार से लोग सब्सक्राइब प्लीज कर देना।